बॉलीवुड का जो क्रिस फिल्म है जो सुपर डुपर रहा उसका कहीं ना कहीं नकल करना, उसका स्टैंड करना सिवान के रहने वाले इस क्रिस को भारी महंगा पड़ गया। सिवान के रेलवे स्टेशन पे क्रिस का स्टैंड दिखाना इनको इतना भारी पड़ गया कि इनको इन्होंने लॉकर में आधे घंटे तक रहे और उनका फाइन भी भरना पड़ा। फाइन भर के ये क्रिस आज बाहर आए हैं। हम जानेंगे ये सिवान के रहने वाले क्रिस क्या करते हैं और क्रिस का ये स्टैंड करने का हुनर और दिमाग में कैसे आया। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है मिराजुद्दीन अहमद। और एक 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 वीडियो आपका तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप सिवान स्टेशन पे जंक्शन पे जी आप एक स्टैंड कर रहे हैं। स्टैंड करने के बाद से आपको पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। जी जी, विस्तार से बताएं क्या हुआ था उस दिन आपके साथ। मैं गया था वीडियो शूट करने। मैं गांव में शूट करता हूं, खेतों में शूट करता हूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला एक ही जगह पे शूट करूंगा तो बोरिंग लग रहा था थोड़ा। मैं सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा हार्ड लोकेशन लिया जाए। तो मैं गया था, सोचता हूं सिवान जाऊंगा, प्लेटफॉर्म टिकट लेके शूट करके निकल जाऊंगा। तो हमको पता नहीं था वहां पे चालान भी कट जाएगा। ठीक है, तो जाने के बाद वहाँ पे वीडियो तो रील तो बना लिए हम। रील बनाने के बाद हम वहाँ से निकल ही रहे थे जबकि एक दो लड़के मिल गए, बोले कि भाई रुको बहुत अच्छे लग रहे हो। जब तक वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक भीड़ हो गई। भीड़ होने के बाद वहाँ पे एक कॉन्स्टेबल आता है क्योंकि वहाँ पे तो पूरा कैमरा लगा हुआ है, पूरा फुल सेफ्टी है ना सिवान जिला प्लेटफॉर्म पे। तो एक कॉन्स्टेबल आए, आरपीएफ के जवान थे साहब, तो आए बोले मेरे साथ चलो। वहाँ से हमको लेकर गए ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद हमारा जाँच हुआ, कपड़े वगैरह निकाल के जाँच हुआ। फिर हमको कस्टडी में अंदर आधे घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद से फॉर्मेलिटी कुछ पूरा करना था पेपर का, वो पूरा करने के बाद हमको निकाले। हमारे ऊपर केस बन चुका था। ठीक है, केस बनने के बाद हम बोले, साहब बोले कि अपने घर वाले को फ़ोन करो, बेल कराना है तो केस हो गया है, ऐसा कर रहे हो तुम, ऐसा जुर्माना क्राइम है ये सब करना। तो मैं बोला कि हमारे घर वाले जानेंगे तो बहुत उम्रदराज हैं, मर जाएंगे ऐसे ही। तो मैं किसी को बुलाया, अपने दोस्त नज़दीकी से अपने बुलाया, फिरवाया हमारा। फिर वहाँ पे हुआ क्या, फाइन लगा था, जो फाइन भर दिया, हमारा बेल हुआ। बेल होने के बाद हम जो फाइन लगा था उस पैसे को भरने के लिए अपना जो सामान कुछ रखे थे, गहना वगैरह रखे थे, उसको हम बेच दिए। वो क्या बोलते हैं ना, गिरवी रख दिए। गिरवी रखने के बाद वो पैसा लेकर गए, अपना नाम केस से कटवाए, बेल हुआ मेरा, नाम वाम कटवाने के बाद हम आए हैं। अब उस पैसे को, उस कर्जा को चुकाने के लिए, अपने गिरवी जो सामान रखे छुड़ाने के लिए, अपना पेट के लिए काम करते हैं, पेंटिंग और घर का कलर का। ठीक है, और वही मेरा रोजी रोटी है। और रील्स बनाते हैं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इसी में कुछ करूंगा, और मेरा दिल यही गवाही देता है कि तुम करते रहो। चलिए, ये जो गेटअप आप बनाए हैं वो बिल्कुल क्रिस के जितना है। ये आपके पास आया कहाँ से, और ये जो बाल भी है आप बिल्कुल इसी तरह का, और जो मार्क्स है ये सब कहाँ से लेकर आया, कैसे दिमाग में आया? ये तो मुझे, मैं काम कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा टॉपिक चुनूँ, कौन सा कंटेंट चुनूँ कि जो पब्लिक देखे तो सोचे कि मैं भी ऐसा करता तो अच्छा लगता। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं क्रिस का ही स्टार्ट करता हूँ। तो मैं तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन किया था, बुक किया था, ऑनलाइन मंगाया। उसके बाद से मैं जो ड्रेस है मैंने खुद से डिजाइन किया है। ये आपने खुद से डिजाइन किया? जी, खुद से डिजाइन किया है। और उसके बाद से मैं जूता वगैरह सब तैयारी करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो बनाया था मात्र, और पहला शॉर्ट मैं नासिक में शूट किया था और साईखेड़ा गाँव था। वहाँ पे इतना तेज़ी से वीगो पे वीडियो मेरा वायरल हुआ, मेरा जुनून बहुत ऊपर हो गया, बहुत बढ़ गया। मैं बोला कि अब मेरा छुट्टी का भी टाइम था, मैं छुट्टी में गांव आया अपने। गांव आने के बाद मैं रेगुलर वीडियो बनाने लग गया रील्स वीगो पे, और टिकटॉक का समय था उस समय, तो उस समय वीगो पे बनाने लग गया। अच्छा सपोर्ट मिलने लग गया, बहुत अच्छा पैसा भी मिल रहा था, और मेरा 2-3 लाख ऐसे मिलियनों में जाने लगा। मेरा 19.5 मिलियन मेरा व्यू गया था वीडियो पे। एक बच्चे को, मतलब डॉल थी, उसको मैं बचा रहा हूँ आग से, उस टाइप का था। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हमको वीगो पे। उसके बाद से हमारा इस जो हालात था थोड़ा डाउन हो गया। कमाने खाने वाले आदमी हैं हम, मेहनत करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो इसीलिए हम कमाने में व्यस्त हो गए, हमको टाइम नहीं मिला बनाने का, इसलिए हम फिर से स्टार्ट किए हैं बनाने के लिए। और पहला ही वीडियो बनाने गया था सिवान प्लेटफॉर्म पे कि ऐसा हो गया। पहला वीडियो बनाने गए आपके साथ ये सब हो गया जी। वहाँ पे अधिकांश आप देखते होंगे सिवान के वाले हैं, और सिवान के आसपास में भी है तो बहुत सारा ऐसा वीडियो देखते होंगे जो वहां से शूट किया जाता है, और उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन इनके साथ होता है। ये भी फर्स्ट टाइम गए हैं, पहली बार गए हैं, और इनका भी शौक था कि सब कोई कर रहा है तो हम भी कुछ नया करें। लेकिन बहुत गरीब परिवार से आते हैं, इनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उस पर हम जाएंगे। उससे पहले दिखाया जाए, देखिए कोई गेटअप है, जो गेटअप देख रहे हैं वो क्रिस, जो बॉलीवुड का क्रिस होता है, जो दूसरे को बचाव करता है, जो दूसरे को रक्षा करता है, जो दूसरे को बचाव करता है। और सिवान का क्रिस खुद पुलिस से रक्षा अपना नहीं कर पाया, क्या कहेंगे सिवान का? मैं तो यही कहूंगा कि जो भी वीडियो बनाते हैं वहां पे वो वीडियो ना बनाएं, और जो वीडियो बनाएंगे और पकड़े जाएंगे तो हमारे पे जो हम जो भुगते हैं, हमारी जो गिरफ्तारी हुई है वो हम ही जानते हैं गाइज। आप लोग ऐसा ना करें, और करते हैं तो परमिशन लीजिए, क्योंकि इनलीगल तरीका से काम करना क्राइम ही है। और
मैं क्राइम कर चुका था इसलिए हमारी गिरफ्तारी हुई थी और हमारा बेल हुआ है तो हम यहाँ पे हैं। चलिए इनका तो बेल हो गया। दर्शकों एक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, क्या ऐसे बिल्कुल गरीब, यानी हम पहले थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इनका आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बिल्कुल खराब ही है, अच्छी नहीं है, तो क्या इनको परमिशन रेलवे जंक्शन पे मिल सकता है? मिल जाएगी? हमको तो नहीं लगता है मिल पाएगी, क्योंकि अगर हमारे जैसे इंसान, हमारे जैसे मतलब आदमी जाएंगे, गरीब इंसान जो होता है उनका कोई तो कदर ही नहीं होता है। होता है, कोई कोई इंसान करता है, ऐसा बात नहीं है। जैसे हम जाएंगे वहाँ पे मांगेंगे साहब परमिशन दे दो, नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या बात है? चलिए एक मेरे दर्शकों के, आप करते क्या है? मैं तो घर का पुताई का काम करता हूँ, वॉल पेंटर। वॉल पेंटर आप? जी जी। इसके लिए समय कहाँ से लाते हैं? इसके लिए समय लाता हूँ जब छुट्टी होता है, हर हर तरफ से टाइम मिल जाता है तो सोचते हैं चलो वीडियो बनाते हैं। आपके पास ये दिमाग में कैसे क्रिस, ये पहला वीडियो आपका है कि क्रिस पर ही आपका टोटल वीडियो आधारित? मेरा टोटल आधारित क्रिस पे ही है। कितना दिन से आपको लगा वीडियो बना? मैं लमसम मैं 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सक्सेस मुझे मिला था तो बैन हो गया सब ऐप, टोटल ऐप बैन। चलिए चाइनीज जितना ऐप था 80 के आसपास में तकरीबन, उसमें आपको कहीं ना कहीं धक्का लगा है? धक्का लगा, उसमें धक्का लगा जी। अभी आप यूट्यूब पे है कि फेसबुक पे है, किस पे आप? अभी तो मैं यूट्यूब पे भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी, रियल हीरो क्रिस यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम का भी लिंक यूट्यूब चैनल में है। चलिए चलिए दर्शकों इनको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी सिवान का एक गरीब घर से आते हैं और एक वॉल पेंटर है। घर का लोग कहीं ना कहीं, हम लोग देहात के आते हैं और हमारे यहाँ ये वीडियो बनाना, नाचना गाना कहीं ना कहीं गलत माना जाता है। आपके घर में कौन ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं? हमारे ऐसे घर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमको सपोर्ट करता है, हम अपने मर्जी से करते हैं। हमारे घर वाले बोलते हैं कि तुम ये सब करते हो, कहाँ से खर्चा लाओगे, कैसे खाओगे, कमाओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं। मैं बोलता हूँ कि कमाता भी हूँ और टाइम मिलता है तो करता भी हूँ, बहुत सहना पड़ता है हमको भी, ऐसा बात नहीं है। घर का तो बात छोड़िए, बाहर का भी बहुत, गाँव का भी बहुत सहना पड़ता है। और जाते हैं कहीं भी तो लोग देखते हैं, देखो पागल जा रहा है, ये देखो क्या छक्का की तरह दिख रहा है, थर्ड जेंडर दिख रहा है, लड़की की तरह दिख रहा है, जैसे कुत्ते वो भौंकते हैं ना, उस टाइप से भी थोड़ा सुनने को मिलता है, कमेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर मारते हुए अपने मकसद, अपने मंजिल पे ही चलता हूँ। चलिए आप उसी पे चलते रहिए और वही लोग होंगे, वही इंसान होगा जो आपको छक्का बोलता है, जो आपको बोलता है नचनिया, जो आपको बोलता है कि ये पागल है, वही आपको सेल्फी लेने के लिए एक न एक दिन इंतजार करेंगे लाइन में। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अच्छा मुकाम पे जाऊँ और मुझे टाइम मिलता है तो मैं गाइस वीडियो बनाता हूँ। बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, बहुत आगे जाना चाहता हूँ, ताकि मैं उस मुकाम पर जाना चाहता हूँ अगर कोई भी हमारे नज़र में फुटपाथ पे खाली पेट सोए हुए लोग के या बिना कपड़े के, मैं उसको सपोर्ट कर पाऊँ, उसको कुछ पैसे, कुछ कपड़े दे पाऊँ, कुछ रोटी दे पाऊँ। उस मुकाम तक मुझे भी जाना है, क्योंकि मेरा फीलिंग यही कहता है। चलिए इस जज्बे को सलाम, मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे जब दिल में है तो जरूर आपको ये कामयाबी मिलने वाला है। एक चीज़, आपका शादी हुआ है? जी सर, मेरा शादी हो गया, मेरा शादी का 3 मंथ हुआ है, 3 महीना। 3 महीना शादी का हुआ। शादी से पहले और शादी के बाद क्या फैमिली, जो आपकी पत्नी है, वो आपके इस गेटअप में देखती है या आपके वीडियो को देखती है, क्या कुछ बोलती है आपको? वो तो कुछ नहीं बोलती है, बोलती है कि यही सब करोगे तो कैसे चलेगा, अच्छा नहीं लगता है, ये सब छोड़ो, बाहर चले जाओ, कमाने चले जाओ। तो हम सोचते हैं कि हमको लगता है कि मतलब इसी में है, तो मैं उसको सीधा सीधा बोल देता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तभी करता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं इसमें कामयाबी नजर आती है इसीलिए मैं करता रहता हूँ। उनको बताना चाहिए कि ऐसे बहुत से लड़कियाँ हैं जो अपने घर, मैंने घर से बाहर निकल के ऐसे अपने आप को कलाकार जो है वो दिखा रही है, आप भी में जो हुनर है वो दिखा रहे हैं और उसमें आपको पैसे भी मिलता है उसमें, तो ये क्या नहीं, क्यों नहीं बताते उनको? उनसे इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि हमको तो अभी पैसा मिलता नहीं है, सपोर्ट मिला नहीं, सपोर्ट मिलता नहीं है। जब पत्नी, चलिए जब सपोर्ट पत्नी की तरफ ना मिले तो बाप माँ और सास ससुर की तरफ से भी नहीं मिलता, नहीं मिलता है, किसी कोई सपोर्ट नहीं देता, ये कहीं ना कहीं चारों तरफ से आप उदासी उदासी जी, बहुत मायूस हैं सब, पूरा दिल टूट चुका है, फिर भी हम अपना हिम्मत नहीं टूटने देंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो भरोसा है, हमको नजर सिर्फ आता है कि हम कामयाब होकर रहेंगे, इसी हिम्मत पे हम अपने पैर को मजबूत करके रखे हैं। आगे के लिए लोकेशन आपके क्या है, कौन सा वीडियो ऐसे आने वाला है? आगे के लिए लोकेशन तो अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसी दिन कुछ भी करता हूँ, रनिंग वगैरह करता हूँ या लॉन्ग जंप करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, जो भी करता हूँ ऐसा करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मुझे आग लग जाए तभी मैं उस चैनल को अपलोड करता हूँ। चैनल पे बहुत सारे चैनल हैं, एक पाकिस्तान का बहुत लाहौरी क्रिश है, वो मेरा वीडियो अपलोड करता है अपने चैनल पे, हमारे वीडियो से उसका बहुत सारा फैन फॉलोइंग, आपका वीडियो से वो अपलोड करता है, अपलोड करता है, बहुत सारा फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे हो चुका है। और मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई पहचान नहीं है, मेरा तो उसी में खो गया है, जानकारी का भी अभाव है जी, जानकारी जानकारी का, क्योंकि इंस्टाग्राम का भी अभी नहीं है आपके पास, नहीं अकाउंट भी नहीं है, और जो था उसको मोदी जी ले गए, मोदी जी ले गए, जो जो नहीं है उसको दर्शक अभी नहीं देख पा रहा, दर्शक नहीं देख पा रहा है। अच्छा, इसमें कितना और कोई टैलेंट दिखाना भी चाहता है अपने बिहार में कहीं भी जाके और सिटी में जाके, तो उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है।
दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, दबाने की। इसमें कितना लोग आपके सहयोग में है, जैसे एडिटर हो जाता है, आपको कैमरामैन होता है, इसमें बहुत तामझाम लगता है। जी तामझाम तो लगता है, हमारे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, वो 5-6 हज़ार का फोन है, उसी से मैं वीडियो बनाता हूँ और उसी से अपलोड करता हूँ, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम मतलब अच्छा कैमरा खरीद सके और कर सके। अगर उतना महंगा कैमरा खरीदेंगे तो हम खाएंगे पियेंगे कहाँ से। चलिए, ये है क्रिश, जिनको हमने एक वीडियो इनका काफी तेजी से वायरल हो रहा था, तो इनको काम पे थे, वॉल पेंटर का काम करते हैं और पास ही के 5 किलोमीटर दूरी पे काम कर रहे थे, काम छोड़वा के लेकर आए दिखाने के लिए, क्या इनके साथ जो घटना हुआ है क्या वो सही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है क्या ये सही है, इसी यही चीज हम दिखा रहे थे सिवान से। जब तक के लिए धन्यवाद।